तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल के लिए पशु पक्षियों के आवाज़ वाले रिंगटोन को कैसे सेट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन पर आने वाली कॉल के लिए पशु पक्षियों की आवाज़ वाले रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और आप इसे बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा कि आपको कैसे पशु पक्षियों के आवाज़ वाले रिंगटोन को अपने मोबाइल फ़ोन में आने वाली कॉल के लिए रिंगटोन के रूप में सेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको हमारे ऐसे ही मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको उस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको चले जाना होगा अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में, और फ्रेंड्स प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा एनिमल रिंगटोन। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे सर्च कर देंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बहुत से पशु पक्षी दिख जाएंगे, और फिर जब आप यहाँ प्ले के आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर उनके आवाज में रिंगटोन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सामने तोता है, तो मैं इस प्ले के आइकन पर क्लिक करता हूँ तो फिर तोते की आवाज में रिंगटोन बजना शुरू हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे पहले प्ले कर लेता हूँ, और फ्रेंड्स नीचे यहाँ शेर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जब इसको प्ले करूँगा तो फिर शेर का आवाज़ आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए यहाँ पर शेर का दहाड़ जैसा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर शेर का दहाड़ आ रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स, नीचे यहाँ हाथी के आवाज़ में रिंगटोन आपको सुनाई देगा। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी पशु पक्षी के आवाज़ वाले रिंगटोन को अपने मोबाइल फ़ोन में सेट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, ये मेढक का, गैंडा का, और ये पता नहीं कौन कौन से पशु पक्षी हैं। तो आप जिनको भी सिलेक्ट करना चाहें उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने रिंगटोन में इसे कैसे सेट करना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो गोल जैसा आइकन है और इसमें जो एक मोबाइल का फ्रेम नज़र आ रहा है, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ चार ऑप्शन आ जाएंगे। एक होगा रिंगटोन का, दूसरा होगा कॉन्टेक्ट रिंगटोन का, तीसरा होगा SMS नोटिफिकेशन का, और चौथा होगा अलार्म टोन का। तो फ्रेंड्स, आप अगर SMS नोटिफिकेशन या फिर अलार्म टोन में इसे सेट करना चाहते हैं तो आप इसे अलार्म टोन या SMS नोटिफिकेशन में भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसे अपने रिंगटोन में सेट करने के लिए यहाँ आपको सबसे पहले रिंगटोन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां से ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां से कुछ परमिशन मांगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहां अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अलाउ पर क्लिक कर देता हूं। तो फिर आपका ये रिंगटोन आपके फाइल मैनेजर में एक ऑडियो के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहां दूसरा ऑप्शन मिल रहा है कॉन्टेक्ट रिंगटोन का। तो फ्रेंड्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट होंगे वो सारे के सारे कॉन्टेक्ट यहां पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप जिस कॉन्टेक्ट से आने वाले कॉल में इस रिंगटोन को सुनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप उस कॉन्टेक्ट को यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फिलहाल यहां पर एक फंटोस नाम के कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, और फ्रेंड्स जब हमारे नंबर पर फंटोस कॉल करेगा तो फिर हमें ये रिंगटोन सुनाई देगा। और फ्रेंड्स, अगर आप यह चाहते हैं कि हमें कोई भी कॉल करे तो फिर हमें यही रिंगटोन सुनाई दे, तो फ्रेंड्स आपको चले जाना है अपने मोबाइल फोन के रिंगटोन सेटिंग में। मैं चला जाता हूं अपने मोबाइल फोन के रिंगटोन सेटिंग में। तो फ्रेंड्स, रिंगटोन सेटिंग में जाकर आपको अपने उस सिम को सिलेक्ट कर लेना है जिस सिम पर आप आने वाले कॉल के लिए इस रिंगटोन को सेट करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फिलहाल सिम 2 पर आने वाले कॉल के लिए इस रिंगटोन को सेट करना चाहता हूं। तो चलिए, मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां से कुछ परमिशन के लिए अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स का। तो फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने वो रिंगटोन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो रिंगटोन यहां पर आ गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनिमल रिंगटोन। तो फ्रेंड्स, आपको यहां से इस रिंगटोन को सिलेक्ट कर लेना है अपने आने वाली कॉल के रिंगटोन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं।
तो फ्रेंड्स आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके उस सिम पर जब भी कोई कॉल आएगा तो फिर आपको यही रिंगटोन सुनाई देगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली कॉल के लिए पशु पक्षियों वाले रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स रोजाना ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, यू टेक केयर।